हेलो गाइस, तो आज मैं वेंस ऑफ एंटेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ाउज़ेशु जो भागते हुए जाता है रूम में, और जब अपने रूम का गेट खोलता है तो वो शॉक में हो जाता है। ज़ाउज़ेशु जब अपने रूम का गेट खोलता है तो वो शॉक में हो जाते हैं, और वो देखता है कि वेन केजिंग अपना सामान पैक कर रहा है और वो लगा है बस अपने सूटकेस को बंद कर रहा है। तो ज़ाउज़ेशु ये देखकर शॉक में हो जाता है। फिर ज़ाउज़ेशु रूम के अंदर जाता है, वेन केजिंग देखता है कि ज़ाउज़ेशु आ गया, तो वेन केजिंग ज़ाउज़ेशु को देखकर अपना वैन के ज़ाउज़ेशु को देखकर मुंह बना लेता है और ज़ाउज़ेशु को इग्नोर कर देता है, और अपना सूटकेस का सूटकेस की वो जिप होती है वो बंद कर रहा होता है। मतलब वैन केजिंग ने अपनी पैकिंग कर ली होती है, वैन केजिंग बस यहाँ से जाने ही वाला था। तो ज़ाउज़ेशु ये देखकर शॉक में हो गया था। ज़ाउज़ेशु वैन केजिंग के पास आता है और बताया, वैन केजिंग तुम कहाँ जा रहे हो? तो वैन केजिंग जो ज़ाउज़ेशु के किसी सवाल का जवाब नहीं देता है, तो ज़ाउज़ेशु वैन केजिंग के पास जाता है, वैन केजिंग के सामने खड़ा हो जाता है और बताया, वैन केजिंग तुम कहाँ जा रहे हो? वैन केजिंग ज़ाउज़ेशु को देखता तक नहीं, वो बस अपने सूटकेस को फर्श पर रखता है और उसको पकड़ता है और बस ज़ाउज़ेशु के सामने से जा रहा होता है। ज़ाउज़ेशु वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है। तो ज़ाउज़ेशु वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है और वैन केजिंग का फेस अपनी तरफ करता है और वैन केजिंग के शोल्डर को पकड़ लेता है और अपने सामने करता है और बोलता है, वैन केजिंग मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मैं नज़र आ रहा हूँ? कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? तो वैन केजिंग जो ज़ाउज़ेशु की आँखों में देखता है, वैन केजिंग की आँखें नम थी। और वैन केजिंग जो ज़ाउज़ेशु को बताए, तुम बताओ ज़ाउज़ेशु कि सुबह जो तुमने किया उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? तो ज़ाउज़ेशु वैन केजिंग को शॉकिंग नज़र से देखता है। ज़ाउज़ेशु बताए, वैन केजिंग आई एम सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई थी। तो वैन केजिंग ज़ाउज़ेशु को देख रहा था, वैन केजिंग ज़ाउज़ेशु के हाथों को अपने शोल्डर से हटाता है और बोलता है, तुम्हें गलत फहमी हुई थी, वो क्लियर हो गई है ना? तो ज़ाउज़ेशु सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो वैन केजिंग बोलता है, चलो अच्छा है, जो तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे थे वो क्लियर हो गया, अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बचा है। 2 महीने बाद मेरी डिलीवरी है, तुम्हारा बेबी तुम तक पहुंच जाएगा। तो ज़ाउज़ेशु वैन केजिंग को शॉकिंग नज़र से देखता है। ज़ाउज़ेशु की आँखें नम होती है। ज़ाउज़ेशु बोलता है, वैन केजिंग ये तुम क्या बोल रहे हो? वैन केजिंग बोलता है, मैं वही बोल रहा हूँ जो तुमने आज सुबह कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तुमने यही कहा ना कि मेरे बेबी को मुझे दे देना और फिर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो बस लो ज़ाउज़ेशु, आज से तुम कभी भी मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे। और वैन केजिंग ज़ाउज़ेशु के सामने से हटकर रूम से बाहर जा रहा है। ज़ाउज़ेशु के सामने से ऐसा बोलकर वैन केजिंग जा रहा है। ज़ाउज़ेशु एक टाइम के लिए शॉक में था, अब ज़ाउज़ेशु दिल में सोचता है कि ज़ाउज़ेशु चुप रहने से कुछ नहीं होता है, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तुम पूरी ज़िंदगी पछताओगे। तुमने गलती की है जो कि तुम करते आ रहे हो, तो अब अपनी गलती सुधारो, माफ़ी मांगो जैसे भी करके, बट माफ़ी मांगो। वैन केजिंग को मनाओ। ज़ाउज़ेशु एक टाइम के लिए यही सोच लेता है और फिर ज़ाउज़ेशु होश में आ जाता है। और फिर ज़ाउज़ेशु जब पीछे देखता है, वैन केजिंग जो गेट खोलकर रूम से बाहर जा ही रहा होता है, मतलब वैन केजिंग अपना हाथ गेट की लॉक पर रखने वाला था कि वह ज़ाउज़ेशु वैन केजिंग को पकड़ लेता है और वैन केजिंग को पीछे की तरफ खींच लेता है और उसे दीवार पर पुश कर देता है। तो वैन केजिंग ये देखकर शॉक में था और ज़ाउज़ेशु जो अपने हाथों से वैन केजिंग को कैद कर देता है। वैन केजिंग ज़ाउज़ेशु को बोलता है, ज़ाउज़ेशु हटो मुझसे। ज़ाउज़ेशु बोलता है, नहीं, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम पर सुबह इल्ज़ाम लगाया, मैंने बहुत गलत बात की, मैं पछता रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे लास्ट चांस दे दो। तो वैन केजिंग ज़ाउज़ेशु को बताएं, तुमने सारे चांस खो दिए, अब कोई चांस नहीं मिल सकता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तो ज़ाउज़ेशु वैन केजिंग को देखता है और बताए, वैन केजिंग तुम इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। वैन केजिंग बताए, मैं जा सकता हूँ क्योंकि आज सुबह ही तुमने अपने दिल की सारी बातें कर दी, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते थे, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वैन केजिंग बिल्कुल सीरियस था और बिल्कुल जैसे सदमे में था। तो ज़ाउज़ेशु वैन केजिंग को देखता है और वैन केजिंग का फेस पकड़ लेता है, बोलता है, वैन केजिंग प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। वैन केजिंग बोलता है, कोई चांस नहीं, माफ़ी नहीं मिल सकती है। तो ज़ाउज़ेशु बोलता है, तो क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगे? वैन केजिंग बोलता है, हाँ, और अगर नहीं रह सका तो आज सुबह की बातें याद कर लूँगा, तो हिम्मत मिलेगी मुझे तुमसे और नफ़रत करने की। तो ज़ाउज़ेशु वैन केजिंग को देखता है
जाऊजू जो अपना कान पकड़ लेता है और पता है, सॉरी मैं जानता हूँ मैंने आज सुबह बहुत गलत बात की, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वैन कैजिंग जाऊजू को देखता है, वैन कैजिंग बोलता है कोई चांस नहीं है जाऊजू, और वैन कैजिंग की आँखें नम होती है। वैन कैजिंग जाऊजू की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया होता है। तो जाऊजू को बोलता है वैन कैजिंग देखो मुझे, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, बाहर दादी और माँ बैठी हुई है, वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। तो वैन कैजिंग बोलता है मैं उनको सब कुछ बता दूँगा। तो जाऊजू बोलता है वैन कैजिंग प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जाऊजू। तो वैन कैजिंग बोलता है उनको सच का पता लगना चाहिए क्योंकि अभी मेरा दूसरा मंथ शुरू हो गया है और उनके हिसाब से मेरा अभी पहला मंथ शुरू हुआ है, तो उनको सच पता चल जाए तो अच्छा ही है। जाऊजू देखता है कि वैन कैजिंग किस तरह बातें कर रहा है। तो जाऊजू वैन कैजिंग का फेस पकड़ता है और वैन कैजिंग का फेस हिलाता है और बोलते हैं वैन कैजिंग होश में आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम किस तरह बातें कर रहे हो। तो वैन कैजिंग जाऊजू के हाथों को अपने से हटा देता है और बोलता है दूर रहो मुझसे, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी एक पल भी नहीं रहूँगा। जाऊजू वैन कैजिंग को देख रहा था। जाऊजू बोलता है ठीक है मुझसे दूर जाकर दिखाओ। तो वैन कैजिंग जाऊजू को देखता है, वैन कैजिंग को गुस्सा आ रहा होता है। वैन कैजिंग बोलता है जाऊजू जो तुम सोच रहे हो अगर तुमने मेरे साथ वैसा कुछ भी किया तो तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो जाऊजू जब अपनी टाई हटा रहा है और बोलते क्या कर लोगे तुम। तो वैन कैजिंग देख रहा होता है, वैन कैजिंग बोलता है जाऊजू मैं कह रहा हूँ मुझे मेरे नज़दीक मत आना। तो जाऊजू जो टाई निकाल कर फेंक देता है और स्माइल करता है नोटिसली और फिर अपनी ऊपर की जैकेट उतार देता है और वो भी फेंक देता है। वैन कैजिंग देख रहा था। तो वैन कैजिंग उस जैकेट की तरफ देखता है जो कि ज़मीन पे जो कि फर्श पे गिर जाती है और फिर वैन कैजिंग जाऊजू को देखता है। तो जाऊजू अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था तो वैन कैजिंग ये देखकर शौक में था और फिर वैन कैजिंग जल्दी से गेट खोलता है। तो जाऊजू जो वैन कैजिंग को पकड़ लेता है और वैन कैजिंग जो आधा गेट खोल चुका था बस बाहर निकलने ही वाला था कि जाऊजू वैन कैजिंग को कमर से पकड़ लेता है और उसको रूम में खींच लेता है और गेट बंद कर देता है। तो अब गेट अचानक से बंद हो गया, दर्द की आवाज़ आई। तो अब हम नीचे आते हैं दादी के पास। तो दादी को गेट बंद होने की आवाज़ आ जाती है। दादी और माँ जो गेट की तरफ देखती है, दादी बोलती है कि बहू तुम्हें क्या गेट की आवाज़ आई थी अभी। तो बहू बोलते हैं हाँ आई थी। तो फिर दादी अपनी बहू को बोलती है कि बहू क्या कहती हो जाए ऊपर, क्या हर वैन कैजिंग जाऊजू क्या कर रहे हैं। तो बहू बोलती है माँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट मुझे लगता है उनका आपस का मसला है तो उनको अकेले ही छोड़ दो, क्या पता ठीक हो जाए, या तो ठीक हो जाएंगे या तो और ही बिगड़ जाएंगे। तो दादी बोलती है ना बिगड़ने तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूँगी। तो माँ बोलती है हाँ क्योंकि वैन कैजिंग प्रेगनेंट है, वैन कैजिंग को हम जाने तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो दादी बोलती है हाँ जो भी है वैन कैजिंग अब जाऊजू का हस्बैंड है तो वो यहीं रहेगा। तो फिर बहू बोलती है अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है। अब फिर दादी और माँ, दादी और बहू ऊपर वैन कैजिंग के गेट की तरफ देखती है। दादी स्माइल कर रही होती है और बहू भी स्माइल कर रही होती है और ये दोनों दादी और बहू फिर एक दूसरे को देखती है और फिर सीरियस हो जाती है। मतलब इन दोनों को अच्छा खासा पता है कि इन दोनों को अच्छा खासा पता है कि जाऊजू जी और वैन कैजिंग क्या कर रहे होंगे बट ये दोनों एक दूसरे को बस फील नहीं कराती है और गेट की तरफ छुपके छुपके से देख रही होती है। तो इसमें हम अब जाऊजू जी और वैन कैजिंग के पास आ जाते हैं। तो जाऊजू जी ने जो वैन कैजिंग को पकड़े हुए था और वो बेड के ऊपर था। वैन कैजिंग बोलता है जाऊजू जी मुझे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहूँगा, क्या कर लोगे तुम, ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ। अच्छा तुम मुझे कब तक इस रूम में बंद कर सकते हो। जाऊजू जी बताए जब तक तुम मान ना जाओ। तो वैन कैजिंग बताए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगा, तुम्हारी बातें मेरे दिल पर रखी हुई है जो तुमने आज सुबह मेरे बारे में कही, अपनी तरह समझ रखा है तुमने मुझे। हाँ तो जाऊजू जी बताए वैन कैजिंग मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना, आई एम सो सॉरी, मेरी पहली गलती है ये, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वैन कैजिंग बताए क्या पहली गलती, ये तुम्हारी पहली गलती नहीं है, तुम्हारी पहली गलती वो थी जब तुमने हॉस्टल में मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए, दूसरी गलती वो थी जब फिर तुमने डील रखी, तीसरी गलती वो थी जब फिर तुमने मुझे प्रपोज किया, चौथी गलती वो थी कि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे फैन से हूँ पर तुमने मुझे नहीं बताया, अगर तुम उन दिनों मुझे बता देते तो मैं अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस कर पाता क्योंकि उन दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, उन दिनों में किस हालत से गुजर रहा था तुम्हें नहीं है पता, मेरे सारे एग्ज़ाम्स इतने इतने बुरे तरीके से दिए सिर्फ तुम्हारे इस प्रपोज़ल की वजह से, तो
तुमने क्यों मुझे प्रपोज किया? तो जाऊ दिशु बताए, मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो इसमें तुम क्यों इतने डिस्टर्ब हो गए थे? तो जुबैन के सिंह बोलता है, मैं इसलिए डिस्टर्ब था क्योंकि मेरी पहले से इंगेजमेंट हो गई थी मेरे फियांसे के साथ, और मेरे रूममेट ने मुझे प्रपोज किया और उसी रूममेट ने मुझे मार्क किया था। उसी रूममेट में मैं उन दिनों प्रेग्नेंट था, उसका बेबी मेरी बॉडी में था और मुझे पता नहीं था। तो तुम ज़रा सोचो कि मैं उस टाइम किस हालत में गुजर रहा था, किस हालत से मैं गुजर रहा था। मैं बिल्कुल कुछ सोच नहीं पा रहा था एग्ज़ाम्स स्टडी के दौरान। जब मैं तुमसे हेल्प मांगता था तो तुम मुझे फिज़िकली टच करते थे। वो सोच सोच कर मुझे रात को नींद नहीं आती थी। एग्ज़ाम्स के बाद मुझे घर जाना है, मेरी शादी मेरे फियांसे से होगी, यही सोचता रहता था। और दिल में मेरे तुम थे। तो तुम ज़रा सोचो कि मैं उन दिनों किस हालत से गुजर रहा था, कि मैं ना एक तरफ अपनी माँ को अपसेट कर सकता था और ना मैं तुम्हें रिजेक्ट करके खुश था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया तो मैं एक सुकून में था? नहीं, मैं बिल्कुल भी सुकून में नहीं था। मैं तुम्हें भूलना चाहता था, पर स्टडी के दौरान जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उस दौरान जब तुम मुझे पकड़ लेते थे और खींच के बस वॉशरूम ले आते थे, सोचते भी नहीं थे कि ये सब करके तुम क्या कर रहे हो, किसी के फीलिंग्स, किसी के दिल को हर्ट, सोचते भी नहीं थे और बस मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। मैं जो तुम्हारे आगे अपने आप को बिल्कुल नहीं बचा पाता था। हम ओमेगास क्यों ऐसे होते हैं? हम क्यों इतने कमज़ोर होते हैं जो हमें इतनी ताकत नहीं होती कि हम तुम जैसे अल्फा से अपने आप को बचा पाए? तो ज़ाहुदीश होता है, क्योंकि तुम लोग अल्फा की जान होते हो। तो वह इनके सिंह ज़ाहुदीश की बातें सुनता है और इनके देख रहा होता है कि इस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इनके सिंह बोलता है, दूर रहो मुझसे, तुमने बहुत सी गलतियाँ की हैं, तो माफ़ी का कोई चांस नहीं है। तो ज़ाहुदीश होता है, बस इसके बाद कोई गलती नहीं करूँगा, बस ये आखिरी गलतियाँ हैं। तो ज़ाहुदीन के सिंह बोलता है, नहीं ज़ाहुदीश, तुम और भी करोगे, मैं तुम्हें जान चुका हूँ, तुम बहुत अलग हो, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, तुम किसी और की नहीं सोचते हो। वेंकट सिंह, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने पूरी लाइफ अकेले गुजारी है वेंकट सिंह, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरे कोई फ्रेंड नहीं बने हैं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जब किसी को पता चलता था कि मैं अनकंट्रोल नहीं होता हूँ, तो मेरे इतने ख़ास फ्रेंड नहीं बनते थे, क्योंकि सब मुझे गलत नज़रिए से देखते थे। तो वेंकट सिंह ज़ाहुदीश की बातों को सुन रहा था। वेंकट सिंह बोलते, अच्छा तुम अनकंट्रोल नहीं होते हो, हाँ तो फिर तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? जब भी तुम मेरे पास होते हो तुमने कभी भी मुझे सुकून में नहीं छोड़ा है, मेरे साथ सब कुछ करके ही तुम्हें सुकून मिलता है, और तुम बताओ कि मैं अनकंट्रोल नहीं होता हूँ, तुमने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। तो ज़ाहुदीश स्माइल करता है और बोलता है, यही तो। और फिर ज़ाहुदीश वेंकट सिंह का फेस पकड़ लेता है, बोलता है, यही तो, तुम्हें मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही फेरोमोन्स के आगे अनकंट्रोल होता हूँ, तुम्हें मैंने कितनी बार बताया है। वेंकट सिंह बोलता है, ज़ाहुदीश ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ज़ाहुदीश बोलता है, ऐसा ही है। फिर वेंकट सिंह को कुछ याद आता है। वेंकट सिंह को रोज़ी की बात याद आती है। रोज़ी ने कहा था कि मैंने ज़ाहुदीश को फिज़िकली टच किया था, पर ज़ाहुदीश बिल्कुल भी अनकंट्रोल नहीं हो रहा था, ज़ाहुदीश नॉर्मल था। और ज़ाहुदीश मेरे फेरोमोन्स स्मेल करता है तो उसको वोमिट लग गई थी। तो वेंकट सिंह को ये बात याद आ जाती है। वेंकट सिंह ज़ाहुदीश को शॉकिंग नज़र से देखता है। ज़ाहुदीश बताए, वेंकट सिंह तुम मेरी उस बात पर अपसेट हो कि मैंने अपने फियांसे को धोखा देना चाहा और अपने रूममेट को प्रपोज़ किया था, है ना? मैंने वो पहली बार फील किया जो मैंने तुम्हारे साथ किया, ये फीलिंग मैंने पहली बार फील की थी वेंकट सिंह, और मैं शॉक में था कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही फेरोमोन्स के सामने क्यों अनकंट्रोल होता हूँ। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि तुम ही मेरे ओमेगा हो, तुम ही हो मेरे ओमेगा। तो मैं कन्फ्यूज था कि मेरी पहले से ही शादी तय हो चुकी है और मेरा ओमेगा ये है, मेरा रूममेट। मैं भी उन दिनों कन्फ्यूज़ था,
पर मैं तुम्हारे साथ जो फीलिंग मैंने जो तुम्हारे साथ उस दिन वो सब कुछ किया तो वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरे जो हमारे स्टडी के 2 महीने ही रह गए थे तो मैं उन 2 महीने तुम्हारे साथ उस फीलिंग को फील करना चाहता था। मेरा कोई इरादा नहीं था अपने फियांसे को धोखा देने का, मैं बस अपने रूममेट के साथ उस फीलिंग को फील करना चाहता था। बस सिर्फ उसके साथ वो काम करना था, बस सिर्फ उसके साथ वो काम करना चाहता था। फीलिंग सब मेरे दिल में तब आई जब मुझे पता चला कि मेरा रूममेट ही मेरा फियांसे है। और मैं तुम्हें तभी नहीं बताया क्योंकि तब तुम्हारा क्या रिएक्ट होता उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि तुम्हें जब पता चलेगा कि मैं ही तुम्हारा फियांसे हूँ तो तुम क्या रिएक्ट करोगे। मैं डरा हुआ था, इस वजह से मैं तुम्हें देखता था, खुश होता था जब जब तुम यही बोलते थे, मुझे रिजेक्ट कर देते थे, मतलब अपने रूममेट को तुम रिजेक्ट करते थे और अपने फियांसे को ही अपना बनाते थे। तुमने काफ़ी बार ये बोला कि मैं अपने फियांसे को धोखा नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो मैं ये सुनता था, खुश होता था क्योंकि तुम्हारा फियांसे मैं ही तो था। मैं तो बहुत खुश था कि मुझे इतना अच्छा ओमेगा मिला है जिसने मुझे कभी देखा भी नहीं है बट वो मुझे धोखा नहीं देना चाहता है। मैं बहुत खुश होता था, मेरे उस टाइम खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता था। तो तभी मैं तुम्हें फिजिकली टच करता था क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरे ही हो, बाद में भी तुम मेरे ही होगे, अभी भी तुम मेरे ही हो। तो अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो तुम्हें तो दूसरा मिल जाएगा पर मुझे कोई नहीं मिलेगा, मैं पूरी ज़िंदगी अकेला ही रहूँगा। तभी जब तुम किसी और को ज़्यादा वैल्यू देते हो तो मुझे जलन होती है, मुझे गुस्सा आता है। तो वन के जिंदा उस को देखता है और बोलते हैं हाँ गुस्सा आता है, जलन होती है। तभी अपने से बातें बनाकर तुमने जो आज सुबह मुझे इतना बुरा भला कहा तो अब माफ़ी क्यों मांग रहे हो, अभी भी करो ना शक। तो ज़ाउदुशी बोलता है मैं जिस बात के शक तुम पर कर रहा था वो क्लियर हो गया। तो वेंकट सिंह बोलता है मतलब? तो ज़ाउदुशी बोलता है असल में मैं ऑफिस में था आज, जब तुमसे फाइटिंग करके मैं ऑफिस गया, मेरा मूड बहुत ख़राब था तो मैं ऑफिस में बैठा ही था और यही सोच रहा था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे जिनके पास, यही सोच रहा था कि फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। कि ज़ाउदुशी ऑफिस में गया और ऑफिस में बैठा हुआ था, बहुत अपसेट था और यही सोच रहा था कि वेंकट सिंह जिनको पसंद करने लग गया है, ज़ाउदुशी यही सोच रहा था और ज़ाउदुशी बहुत अपसेट था। तो फिर अचानक से ज़ाउदुशी के फादर आ जाते हैं, ज़ाउदुशी के फादर आते हैं, ज़ाउदुशी को डांटते हैं कि तुमने आज वेंकट सिंह को क्या कहा, जो वेंकट सिंह अपने रूम से नहीं निकला और वो इतना रो रहा था। तो ज़ाउदुशी फादर को बोलते हैं कि पापा वो वैसे ही मेरी और वेंकट सिंह की थोड़ी सी फाइटिंग हो गई। तो फादर फिर ज़ाउदुशी को बोलता है ज़ाउदुशी तुम्हें पता है ना वेंकट सिंह प्रेग्नेंट है तो तुम्हें थोड़ा सा उसके बारे में सोचना चाहिए, अगर वो किसी बात से ज़िद कर रहा है तो उसकी ज़िद पूरी करो, अपनी ही ज़िद उसके सामने मत रखो। तो ज़ाउदुशी जिसने अपनी आँखें नीचे की थी क्योंकि बात तो कुछ और थी, ज़ाउदुशी असल में यही सोच रहा था कि वेंकट सिंह जिनको पसंद करने लग गया है, बात ये थी। अब ये बात तो पापा को बता नहीं सकता था तो पापा ने जो ज़ाउदुशी को इतना लेक्चर दिया और डांट के चले गए। तो ज़ाउदुशी जो भी था तो ज़ाउदुशी जो चेयर पे बैठ गया और गुस्से में था। तो फिर अचानक से ज़ाउदुशी का मोबाइल बज जाता है, जब ज़ाउदुशी का मोबाइल बजता है ज़ाउदुशी देखता है कि किसी कॉल है तो वो जिन की थी। ज़ाउदुशी जो ऑलरेडी जिन पर इतना गुस्सा था तो ज़ाउदुशी को कॉल उठा लेता है और बोलता है हाँ हेलो क्या है, तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया? हाँ तुमने मुझे फ़ोन किया होगा क्योंकि वेंकट सिंह का मोबाइल तो टूट गया है, उसकी कॉल तो लग नहीं रही होगी तो तुमने मुझे फ़ोन किया होगा ये पूछने के लिए कि वेंकट सिंह की कॉल क्यों नहीं लग रही है ना। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ जिन कि उसका मोबाइल मैंने तोड़ दिया है। तो जिन दूसरी तरफ से जिन बोलता है क्या तुमने वेंकट सिंह का मोबाइल तोड़ दिया, बट क्यों? तो ज़ाउदुशी बोलते हैं तुम्हें बताओ तुम्हारी वजह से तो तोड़ा है। तो जिन बोलते हैं मेरी वजह से क्यों? तो ज़ाउदुशी बोलता है देखो जिन मेरे सामने ज़्यादा नौटंकी मत करोगे। तो जिन बोलता है ज़ाउदुशी अगर तुम बोलना क्या चाहते हो और ये सब छोड़ो मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे वेंकट सिंह ने उस दिन कितनी चालाकी की। तो ज़ाउदुशी बोलता है क्या क्या चालाकी की? तो जिन बोलता है उसने उस दिन मुझे अपना नंबर नहीं दिया, किसी और का नंबर दिया। तो ज़ाउदुशी बोलता है क्या? ज़ाउदुशी शौक में हो जाता है, अचानक से खड़ा हो जाता है, बोलता है जिन ये तुम क्या बोल रहे हो? तो जिन बोलता है हाँ तुम्हारे वेंकट सिंह ने उस दिन मेरे साथ चालाकी की और मुझे अपना नंबर नहीं दिया, पता नहीं किसी
और का नंबर दिया, और वो एक ओल्ड आंटी थी, और वो पता नहीं कहाँ से बात कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से बात कर रही हो, तो उसने पता नहीं एक शहर का नाम लिया, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर रहती है। बट तुम्हारे वैन केजिंग ने मुझे अपना नंबर नहीं दिया, कितना चालाक है ये वैन केजिंग। तो जाओ जिशु बोते, मतलब तुम्हें उस दिन वैन केजिंग ने अपना नंबर नहीं दिया था? तो जो जिन बोते हैं हाँ नहीं दिया था, उसने मुझे किसी और का नंबर दिया। तो जाऊ जिशु जो शौक में था, तो जिन बोता है हाँ तो तुम अब मुझे क्या बोल रहे थे कि तुमने वैन केजिंग का मोबाइल तोड़ दिया, तुमने वैन केजिंग का मोबाइल क्यों तोड़ा? जिन बोता है जाऊ जिशु तुमने वैन केजिंग का मोबाइल क्यों तोड़ा, और तुम्हें मुझे क्या बोल रहे थे? तो जिन तो जाऊ जिशु जो इतने शौक में था, तो जाऊ जिशु बोता है जिन मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। अब जो जाऊ जिशु जो जिन की कॉल काट देता है और सोचता है कि मैंने तो वैन केजिंग को इतना बुरा भला कहा, मुझे लगा जिन से बात कर रहा था, बट वो तो। और फिर जाऊ जिशु जो इतने शौक में था, अब जाऊ जिशु बोता है मैं तो पूरा फंसा। अब जाऊ जिशु जो घर की तरफ भागता है, एक सेकेंड वेट नहीं करता है और बस घर की तरफ भागता है। वैसे हमारा फ्लैश बैक ख़त्म हो जाता है। तो वैन केजिंग जो जाऊ जिशु को गुस्से से देख रहा था, और जाऊ जिशु जो वैन केजिंग को देख रहा था और बोल रहा था सॉरी मैंने तुम पर इतना गलत इल्ज़ाम लगाया, मुझे लगा तुम जिन से बात करते हो कर रहे थे, क्योंकि मैं जब तुम्हारे करीब आता था तो तुम वो कॉल काट देते थे। तो इसी वजह से वैन केजिंग जो जाऊ जिशु को सर मुँह पलट देता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है। जाऊ जिशु वैन केजिंग का फेस पकड़ता है, चिन पकड़ता है और अपनी तरफ करता है और बोलता है वैन केजिंग प्लीज़ लास्ट टाइम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुमने तुमसे कौन बात करता था। तो वैन केजिंग बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझसे इन दिनों कौन बात करता था, वो ज़ियान थी। तो जाऊ जिशु बोलते क्या तुम ज़ियान से बातें करते थे? तो वैन केजिंग बोलते हाँ।